हेलो गाइस, फिर से एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे से और स्वस्थ होंगे। तो अभी बजे हैं सुबह के 5:30। तो मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग अभी सुबह 5:30 बजे से कर रहा हूं और मैं बैठा हूं अभी घर पे। और मैं जग गया था आज लगभग 4 बजे, और 4 बजे से अभी घूम टहल के आया हूँ। अब मैं खा रहा हूँ देखो चने। तो गाइस, जो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। जल्दी करो यार, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप लोग सपोर्ट करो और अपना आशीर्वाद बनाए रखो। तो गाइस, अब चैनल पे बने रहो, मैं करता हूँ अपने ब्लॉग को अब कंटिन्यू। तो अब चलो करते हैं एंजॉय। चलो गाइस, गुड मॉर्निंग। देखिए मैं अभी जगा हूँ सुबह सुबह, अभी सुबह के बजे हैं 5:30। तो देखो मैं अभी खा रहा हूँ चने। अभी सेहत के लिए अच्छे होते हैं ना गाइस, इसलिए मैं थोड़ा सेहत पे ध्यान दे रहा हूँ। तो अब मैं चने खा रहा हूँ। मेरे YouTube फैमिली में 800 सदस्य हो गए हैं, तो थैंक यू सो मच। और इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो ताकि मैं इसी तरह धीरे धीरे से आगे बढ़ सकूँ और मुझे मोटिवेट मिले कि मैं अपने ब्लॉग रोज़ पर डे डालूं। तो गाइज, इसी तरह अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखो। तो गाइज देखिए, मैं हूं अपने कृषि फार्म के अंदर। अभी सुबह सुबह से मैं आ गया था, अभी बजे हैं 7:30 या 8 होंगे लगभग। तो गाइज, मेरे पास वॉच भी नहीं है ना, तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, पर लेकिन 8 के करीब समय होगा। तो मैं हूँ अभी अपने कृषि फार्म में। तो अभी कृषि फार्म में आराम से ताज़ी ताज़ी हवा ले रहा था, चारपाई में बैठे हुए। देखिए, और ये देखिए हमारे यहाँ की फसल, इस सीज़न में धान उगाया जाता है। और ये देखिए, मैं बैठा हुआ हूँ आराम से। तो गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखो ताकि मुझे मोटिवेट मिले, मैं इसी तरह के नए विलेज लाइफस्टाइल ब्लॉग आपको मैं दिखाता रहूँ। तो गाइस, चैनल पे बने रहिए, फिर मैं दिखाता हूँ मैं क्या क्या करने वाला हूँ। ऐसा भाई हमारा एक एक चीज़ें, नेचुरल चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहा है लोगों को, एक से एक अदाएँ वाली सीन दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो प्राकृतिक देखो गाइस, अब देखना होगा कैसे निकलते हैं। बोलते जाओ, कैसा कैसो क्या लगता है तुम्हें ये पहाड़ जो दिख रहा है, ये जो सामने है, यहाँ पे भी एक कुटी है। बहुत अच्छा नेचर है यार, जो हम यहाँ रह के फील कर रहे हैं ना। जो वीडियो में हम लोगों ने वहाँ से वीडियो दिखाई है, वहाँ से फोटो, हाँ, तो वहाँ पे है खड़े थे सामने, इधर से, हाँ इधर से। अब ये देखो हम कैसे घूम रहे हैं, देखिए गाइस। अच्छा, मेरे साथ रह के क्या फील करते हो? अगर आने वाले टाइम में हम दोनों लोग अलग हो जाएं एक दूसरे से, तो क्या आप कोशिश करेंगे यहाँ आने की? बिल्कुल आएंगे, बहुत अच्छी जगह है। पर लेकिन अभी अगस्त के महीने में और अच्छी होगी, और अच्छी होगी, इसलिए कि अभी ज़्यादा बारिश नहीं हुई ना। ये देखिए भाई, यहाँ की दिखा नज़ारा देखो, ये है वादी। ये हिंदुस्तान की और पूरे विश्व की धरोहर, क्यों दोस्त? हाँ बिल्कुल, लोग उत्तराखंड को समझते हैं लेकिन हम उत्तराखंड यही समझते हैं, लेकिन हमारे कुछ गिने चुने साथी लोग वहाँ पे इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं क्योंकि उन्हें नेचुरल का पता ही नहीं है। हाँ, नेचर होता क्या? और वो हमें कह देते हैं कि ये लोग पागल घूम रहे हैं, इनके पास कोई काम ही नहीं है यार। लेकिन क्या यार, सपने वही जिंदगी, जो सपने हैं हमारे खुद देख के रास्ता तय करने के बाद अगर वो मंजिल नजर आ रही है, जो सपनों जैसी हो, तो कम से कम वहाँ पे जाने की कोशिश करें ना, समय बिताने की कोशिश करें। हम आए थे जमरेही बाबा मंदिर, यहाँ पे ये है कमासिन से कितने किलोमीटर दूर है, 18 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ आए थे और ये हमें महाराज मिल गए हैं अचानक से। हम यहाँ पे बैठे थे और अभी उनसे दरबार करके बहुत अच्छा लगा और मन को शांति मिली। और देखिए ये है मंदिर, यहाँ पे ये तालाब, और वहाँ पे भी मंदिर है, दुकानें वगैरह उधर रखी हुई है। सत हरि भजन जगत सब सपना। बोलिए मत, बस ये है कि आज्ञा दीजिए और जब हम पुनः वापस आएं तो आप इसी तरह याद रखें, हमेशा बाबा याद रखें। हमें लगता है कि कोई गुरु मिले हमारे जो हमें याद रखे, और ऐसे ऐसे गुरु सुधार नहीं मिलते हैं। देखिए कुछ नहीं, कुछ खर्च भी नहीं लगा, खर्च भी नहीं लगता, गुरु भी मिल जाते हैं।
सीताराम सुंदर कर तारी संशय विहंग उड़ावन हारी जो भी बातें निकालते हैं बहुत कथा शब्द अर्थ होते हैं उसमें और यही तो है प्रतीक, यही है मानक, मानक यही है, बस लागू करना काम है। लागू कितना, ये अस्त्र शस्त्र कितने दूर तक जाता है, कितने लोगों तक काम करता है, मजा आएगी तब बाबा जी मजा की अपने बात। मंत्र से कुछ बोल दो तो सामने वाले व्यक्ति का बिल्कुल शरीर हल्का हो जाए एकदम से फूल की तरह। बस बाबा चलो चलो चलो, तो ये छवि ये संत के अंदर से क्वालिटी नजर आएगा। देखो तो हाँ माना यहीं आ जाऊँ मोटी रहती हैं उपा इनसे बहुत बड़े हैं भैया कि ठेलिया जो तीन पहिया के होती उन्हें लाद के परा के लाव के पड़े थे। गाज मैं आपको बता दूं, जो मेरा दोस्त मोर था तो उसको कुत्तों ने तोड़ डाला है, मैं नहीं था घर में तो इसलिए उसको कोई सुरक्षित नहीं कर पाया। तो गाइज वो लगभग 14 अगस्त या 15 अगस्त को डेट कर गया था। तो गाइज मैं उसको बहुत मिस करता हूँ और आप लोग भी मेरे ब्लॉग देखते रहे होंगे तो आप भी मिस करते रहे होंगे और मैं अभी भी उसको मिस करता हूँ। तो मैं उसकी एक क्लिप जो डांस की क्लिप है तो मैं उसको डालूँगा और इसी ब्लॉग में, तो आप देखना कितना अच्छा डांस करता था। तो गाइज आप भी भगवान से दुआ करो कि उसके आत्मा को शांति मिले। और मेरा दोस्त गाइज बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छा डांस करता था। तो गाइज मैं उसको बहुत मिस करता हूँ। तो गाइज खैर कोई बात नहीं है, तो अब आना जाना तो इस दुनिया में बना ही रहता है, तो खैर कोई बात नहीं है। पर लेकिन मैं जो पुरानी यादें हैं ना उसकी, जो मेरे साथ है उसने समय व्यतीत किया, मैं उसके साथ समय व्यतीत किया है ना, तो मुझे मैं बहुत मिस करता हूँ उसको गाइज। तो गाइज आप भी कमेंट करके बताना कि आप मिस करते हो उसको कि नहीं करते हो। तो गाइज कमेंट करो। गाइज ये देखिए मेरा दोस्त नाच रहा है यहाँ पे, मुझे देख के मैं आ रहा था घर से तो मुझे देख के डांस करने लगा। ये देखिए ये मैं हूँ अभी अपने घर में, अभी बज गए हैं 6:30 शाम के। तो अब मैं अभी आया हूँ अपने घर पे और बैठा हुआ हूँ। और तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।